आज के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं केटल तथा हार्न का सिद्धांत। वैसे मुख्य रूप से इसको केटल का सिद्धांत ही कहा जाता है, जो तरल और ठोस बुद्धि के सिद्धांत पर आधारित है। तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत दो महत्वपूर्ण अवयव है इस सिद्धांत के लिए। केटल महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1963 में किया था और पुनः संशोधन करा था 1987 में। इनके अनुसार तरल बुद्धि क्या होती है, हम पहले तरल बुद्धि को पहले समझ लेते हैं, जिसको इन्होंने जेनेटिक फैक्टर्स बोला है कि तरल बुद्धि जेनेटिक फैक्टर के माध्यम से होती है। इनके अनुसार केटल द्वारा वर्णित तरल बुद्धि स्पेयरमैन के सामान्य कारक जी फैक्टर के समान है। केटल का मानना है कि तरल बुद्धि का निर्धारण वंशानुक्रम कारकों यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स के द्वारा होता है। तरल बुद्धि के द्वारा ही व्यक्तियों के बीच संबंध का बोध या प्रत्यक्षीकरण करता है। सादृश्य परीक्षण, अक्षर तथा संख्या श्रृंखला परीक्षण के द्वारा वस्तुओं के बीच संबंध का प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता का मापन किया जाता है। तरल बुद्धि का संबंध तर्क योग्यता से होता है। इसमें तर्क होता है और ये जन्मजात होता है, इसमें चिंतन होता है, समस्या का समाधान निकालने की विधि है ये, है ना, ये जन्मजात योग्यता है। ये वंशानुगत कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। इसके द्वारा व्यक्ति वस्तुओं के बीच संबंधों का बोध या प्रत्यक्षीकरण करता है। ये आयु के अनुसार घटती चली जाती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो जो जी फैक्टर है वो हमारा घटता जाता है। अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरणार्थ अगर मैं कहूँ कि बुजुर्ग व्यक्ति के ध्यान से क्या होता है, हमेशा बातें निकल जाती है, तो बुजुर्ग अगर कुछ बताता है तो बेटा मेरा ध्यान से निकल गया, अधिकतर वो यही चीज़ें कहता है, बेटा मेरे ध्यान से ये चीज़ें निकल गई। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो जी फैक्टर कम होता जाता है, यानी जेनेटिक फैक्टर्स कम होते जाते हैं। तरल बुद्धि का निर्माण किशोरावस्था से अंत तक अधिकतम स्तर तक हो जाता है। आयु के अनुसार ये चलता रहता है। सादृश्य परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला परीक्षण के द्वारा वस्तुओं के बीच संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता का मापन इसमें किया जाता है। अब देखते हैं हम क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होता है, यानी ठोस बुद्धि क्या हो सकती है। इसके बारे में कहा गया है कि इस बुद्धि में अर्जित ज्ञान तथा तथ्यात्मक ज्ञान निहित होता है। तरल बुद्धि का उपयोग करके व्यक्ति में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, उस ज्ञान को अथवा उस क्षमताओं को केटल महोदय ने ठोस बुद्धि में निहित माना है। जैसे हम विद्यालय की जो जितने भी अनुभव लेते हैं या अनुभूतियां हमारी होती है, मुख्य रूप से ठोस बुद्धि का ही अंग होती है। केटल ने यह भी माना है कि ठोस बुद्धि के विकास की सीमा वंशानुक्रम कारकों द्वारा निर्धारित होती है। केटल ने यह भी माना है कि तरल बुद्धि का विकास किशोरावस्था के अंत तक अधिकतम स्तर तक हो जाता है, परंतु ठोस बुद्धि का विकास किशोरावस्था के बाद वयस्क अवस्था तक यानी एडल्टहुड तक ही होता है। अब यहाँ पे जो मेन मेन बातें निकल के आई है, अर्थात ये अर्जित होती है प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त कौशलों से हम वृद्धि कर सकते हैं, ये स्थिर होती है, इसमें अनुभव की आवश्यकता होती है और इसमें तथ्यात्मक ज्ञान निहित होता है। जैसे हम विद्यालय के जितने भी अनुभव लेते हैं वो सारे इसी बुद्धि का अंग होते हैं। ठोस बुद्धि का विकास की सीमा वंशानुक्रम कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ठोस बुद्धि का विकास किशोरावस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक होता है। लेकिन इस सिद्धांत की भी आलोचना की है, गिलफोर्ड महोदय ने इनकी आलोचना करी है। गिलफोर्ड महोदय ने कहा है कि केटल के सिद्धांत की आलोचना करते हुए दो आपत्तियां दी है गिलफोर्ड महोदय ने, जेपी गिलफोर्ड महोदय ने। उन्होंने पहला कहा है कि तरल बुद्धि जैसी कोई चीज वास्तव में होती नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि तरल और ठोस बुद्धि में जो अंतर है उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस आधार पर इनकी आलोचना, यहां हम थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि हेब महोदय ने जो केटल के तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि है उनको हेब महोदय ने तरल बुद्धि को ए बुद्धि कहा है और ठोस बुद्धि को उन्होंने बी बुद्धि कहा है। यानी कि ए तरल बुद्धि जो है वो जीनोटाइप बुद्धि हो गई है और ठोस बुद्धि जो है फिनोटाइप बुद्धि हो गई है। ये जो वर्गीकरण है ये वर्णन के अनुसार ही हमें प्रतीत होता है। जैसे वर्णन ने कहा था, उन्होंने तीन प्रकार की बुद्धि बताई थी, ए बी और सी, तो यहाँ पे केवल ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि को इन्होंने दो प्रकार की बुद्धियों के नाम दे दिए हैं, ए बुद्धि और ए
भी देते हैं।